साल पहले जो हुआ मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बेहतर यही होगा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। आप उदास मत होंगे, आप जैसा चाहते हैं मैं अपने आप को उसी सांचे में वैसे ढाल दूंगी। अगर पापा और आपकी इज्जत कभी आँच नहीं आने दूंगी। अरे बेटा इन मामलात में जल्दबाजी सही नहीं होती है, तहम्मुल से काम लो। नहीं 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 अम्मी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मैं कर रहा। शादी हम आराम से ही करेंगे, जब आप कहेंगे तभी करेंगे। लेकिन मैं कह रहा था कि आज आप जाके बात कर लें, एटलीस्ट मम्मी तो कर लेना। कैसा ये इश्क या रब्बा। देखिए बस अब आप जल्दी ना कीजिएगा, बिल्कुल जब वक्त आएगा सारे सबब खुद ब खुद बन जाएंगे। लेकिन बाबा हसीब अंकल गाड़ी में कह रहे थे कि अब वो होटल में शिफ्ट हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक हम जिंदा हैं आप और सारा इसी घर में रहेंगे। ये आपके भाई का घर है, आपका अपना घर है, किसी गैर का नहीं। आपको नाराज नहीं करेंगे। शुक्रिया। चलो ऊपर चलो। अच्छा क्या अगर अचानक अम्मी आपके पास सिर्फ एक दो दिन हैं वजदान और मेरे रिश्ते की बात करने के, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। लेकिन जरनाब मुझे पता तो चले, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम अचानक रिश्ते की बात लेके बैठ गई हो? मैंने ख्वाब में तो वजदान को दूर जाते हुए देख लिया लेकिन हकीकत में नहीं जानती। बेटा हकीकत की दुनिया में इन ख्वाबों का कोई वजूद नहीं होता। तुम मेरी बात सुनो, देखो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्यों क्यों बिगाड़ना चाहती हो? अम्मी आप बात करेंगी या नहीं? मेरे खुदाया इस लड़की ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। चलो मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो ना। नहीं मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, आपको जल्द ही ये काम करना होगा। या मेरे अल्लाह क्या हो गया इसको, ये तो सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई है, ना बनाया खेल बिगाड़ देगी। What's wrong with you? Are you in your senses? तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है, you have to talk to वजदान। ये तुमने क्या वजदान वजदान की रट लगाई हुई है, अब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है और मैं बाबा के आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। But you have to do something यार। क्या करूं? सारा वो आज शाम को आ रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो। मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, हमारे माशरे में औरतों को बोलने का कोई हक नहीं है, हम सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुए। कभी माँ बाप, कभी बहन भाई, कभी ताया चाचा मामा, फिर शोहर और बच्चे। हमारी तकदीर में बस यही है, बगैर बोले सुनते जाओ सुनते जाओ। तुम्हें ये सब गलत लग रहा है बिकॉज यहाँ फ्रीडम नहीं है। नहीं तुम्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा राइट है। सारा हम दोनों अलग दुनिया से, मैं तुम्हारे नजरिए से कभी नहीं सोच सकती और ना ही तुम मेरे नजरिए से सोच सकती। देखो यहाँ और वहाँ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ एक डिफरेंस है कि यहाँ की लड़कियाँ अपने राइट के लिए फाइट नहीं करती और जो तुम बार बार कहती हो बाबा से डरती हो बाबा से डरती हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। तुम्हें जाके उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि 10-20 साल बाद तुम जब इसके बारे में सोचोगी तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगी कि तुमने इतना बड़ा मौका अपने हाथ से जाने दिया। ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती सर। और मेरी जिद भी, अगर तुम वजदान से बात नहीं करोगी ना देन आई एम गोना गो एंड टॉक टू हिम। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं करूंगी बिकॉज यू लीव मी नो चॉइस और मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती होते हुए नहीं देख सकती। सारा सारा रुको। इफ़त बेटा वो लोग आज आ रहे हैं, पार्सल को तैयार करके नीचे ले आना। मगर अम्मी मैंने पार्सल से बात कर ली है, वो वही करेगी जो उसके बाबा चाहते हैं। ये गलत है अम्मी, पार्सल को हम सब जानते हैं,
बाबा तो उसे कुएं में भी धकेलेंगे तो वो चली जाएगी। इफ़्फ़त, तुमसे जितना कहा है तुम वही करो और थोड़ी देर में नीचे आके मेरा हाथ बटाना। मेरा प्यारा बच्चा खुश रहो। मुझे इसी बात का तो अफसोस है कि पारसा ने एक बार भी उस रिश्ते से इनकार नहीं किया। मोहब्बत तो तुम भी करते हो ना वजदान, तो फिर तुम पारसा का वेट क्यों कर रहे हो? मुझे ये बताओ कि पारसा इस रिश्ते के बारे में कब से जानती थी? देखो वजदान, पारसा खुद भी बहुत टेंशन में है, वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने डैड के अगेंस्ट तो नहीं जा सकती ना। कि उसने मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है और इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। देखो वजदान, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट। तुमने भी तो पूरी जिंदगी उसके साथ निभाने का वादा किया था ना। इस बार उसे स्टैंड लेना होगा, उसे सबके सामने हमारी मोहब्बत का इकरार करना। आखिर कब तक तुम अपने मुंह पर ताला लगाए बैठोगी? फरमाबरदारी अच्छी बात है, लेकिन तुम ये जो सब कुछ कर रही हो ना, इसे खुदकुशी करना कहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है तुम वही करो, बाद में मुझसे कोई गिला मत करना। अपने दुखड़े बाबा के सामने ही रोना। मैं पिन लेकर आती हूँ, दुपट्टा ऐसे सेट नहीं हो रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहां बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। तुमने वादा किया था कि इस बार साथ होगी, क्यों मेरा साथ छोड़ रही हो? क्यों मेरा भरोसा तोड़ रही हो? क्यों मुझे तना छोड़ रही हो? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ रहे हो? तकलीफ हो रही है ना, मेरी तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मुझे जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? तुम कैसे किसी और के प्रति? मैं खुद तैयार नहीं हुई हूँ। चांद से मार दूंगा मैं उसे और तुम्हें भी, और उसके बाद पारसा प्लीज यहां से जाए, प्लीज प्लीज। अगर अम्मी ने देख लिया तो बात तो जाएगी। नहीं, खुद जाके सबको बताता हूँ कि मैं और पारसा एक दूसरे से मोहब्बत करती हूँ। क्या करूं मैं सबको बताऊंगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? अभी आप प्लीज 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 जाके छुप जाए प्लीज। पारसा, अरे क्या कर रही थी? इतनी देर से नौ कर रही हूँ मैं। चेंज कर रही थी। मैं पप्पा भेज रही हूँ, फौरन नीचे आओ, सारे मेहमान आ चुके हैं।
तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुमसे मैं मर जाऊंगा। प्लीज मैं बात करूंगी ना, मैं बात करूंगी। अब आदत होगी तो नहीं? कितना अच्छा वक्त था दाऊद भाई, हम सब साथ रहते थे, क्या जमाना था। वाकई ठीक कह रहे हो तुम। और भाई हसीब, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ी रौनक लगाई होगी तुमने तो। हसीब तो हवा के घोड़े पर सवार होके आते हैं, जा रहे हैं चंद दिनों में ये वापस यूके। क्यों भाई, इतनी जल्दी याद आने लगा यूके तुम्हें? देखिये भाईजान, मुझे फिर से शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे लंदन वापस जाना है, कोई काम आ गया है, 3-4 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हमसल मियां, छुट्टियों पर आए हैं आप? नहीं अंकल, डैडी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहा हूं। मैंने सोचा कि मेरी मर्जी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैं चला आया। How are you, Parsa? हमसल मियां, आप जहां तशरीफ रखते थे वापस वहीं जाइए। Is there any problem? भाई साहब, आप यहां आए, आपने हमें इज्जत दी, हम आपके बहुत मशकूर हैं। अगर हमें लगता है कि हम दोनों की फैमिलीज की तहजीब और तरबियत में बहुत फर्क है। भाई अब तो और बदल गया है, हमारे बच्चे बड़े हो गए, किस दुनिया में रह रहे हो तुम? मुझे तो लगता है कि तुमने अपने बीवी बच्चों को कैदी बना रखा है। दाऊद भाई, मेरे बच्चों को हर आजादी है कि वो दिल की बात करें, सांस लें और मर्जी से जिए। भाई साहब, भाभी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान जो प्यार है वो हमारे बच्चों की शादी की वजह से किसी किस्म की बदगुमानी का शिकार ना हो, और हमें यह भी नहीं लगता कि हमारे बच्चे साथ खुश भी रह सकेंगे। इसीलिए मैं माजर चाहता हूं, मैं अपनी बेटी पारसा का रिश्ता हमसल के साथ नहीं कर सकता। तो बस हमें अब चलना चाहिए। भाई साहब, आप इतनी सी बात को लेकर प्लीज खफा मत होइएगा, हमारे रिश्ते में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। Thank you.
पार्स, कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? यू नो व्हाट, मैंने अभी अभी उन लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा। वो खाली हाथ गए। आई न्यू इट, ये रिश्ता हो ही नहीं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल टॉक शो आपकी फेवरेट होस्ट समीना पीरजादा के साथ, जिसमें हमारे गेस्ट हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अभी हमारे चैनल स्पीक योर हार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय करें हमारी लेटेस्ट एपिसोड्स, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से दिल तक। सो बी देयर। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पापा ने खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। जाहिर है, अब जब तुमने उन्हें बता दिया कि तुम मजदान को चाहती हो तो वो कैसे हाथ करते? अरसान, मेरी पापा से बात नहीं हुई, मुझे मौका ही नहीं मिला। मतलब मौका नहीं मिला, तुम्हें सिर्फ इतना कहना था कि तुम वजदान से मोहब्बत करती हो, यानी कि अगर अंकल खुद से इनकार ना करते तो अभी तक तुम्हारा रिश्ता हो चुका होता। मोहन पार साहब, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम सीरियस हो या नहीं। अरसान यार प्लीज, ठीक तो है जी? आप परेशान मत होइए, दाऊद भाई नाराज होकर थोड़ी गए, वो वापस जरूर आएंगे। Yeah.